जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेना भर्ती और परीक्षा को लेकर। आप सभी को पता है कि अभी कल या परसों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि आपकी जो रैली भर्ती होगी और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो इस महीने के मई के लास्ट एंड तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी एग्ज़ाम और भर्ती को लेकर। तो आज हम इसी को लेकर बात करने वाले हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि आपका एग्ज़ाम और रैली भर्ती मई महीने के एंड में स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो उससे पहले हम बात करने वाले हैं, सुबह से एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, राजनाथ सिंह जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट किया गया है। ऐसा जो ट्वीट वायरल हो रहा है उसमें दिखाई दे रहा है, उसमें ये लिखा गया है कि मई महीने के लास्ट में आपकी भर्तियां स्टार्ट हो जाएंगी और आपका जल्द ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब सबसे पहले बात करेंगे क्या ये बात बिल्कुल सच है, क्या ये ट्वीट सच है, क्या ये ऑफिशियल ट्वीट है किसी रक्षा मंत्रालय की ओर से या कोई ऑफिशियल जानकारी है। तो सबसे पहले हम वो ट्वीट देखते हैं जो वायरल हो रहा है, वो देखिए। सबसे पहले देखिए ये जो ट्वीट है, ये राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट का बताया जा रहा है। आपको देखने में भी दिखाई दे रहा है कि ये राजनाथ सिंह जी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। और इसके अंदर क्या लिखा गया है कि जो आर्मी रिक्रूटमेंट 2022 है वो स्टार्ट हो जाएगी आपके मई के लास्ट वीक में, ठीक है। और आर्मी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट होगा, वो भी आपका मई में ही लिया जाएगा, इसके बारे में यहां जानकारी दी गई है। और ऑल एआरओ एंड आर्मी सेंटर रेडी फॉर रिक्रूटमेंट 2022, वी विल कॉन्टैक्ट सून। देखिए यहां पर इस ट्वीट के अंदर जानकारी दी गई है कि जो आर्मी की भर्ती है वो भी लास्ट वीक के, मई के लास्ट वीक में आपकी भर्ती स्टार्ट हो जाएगी और जो आर्मी एग्जाम है वो भी आपका मई के अंदर लिया जाएगा, इस बारे में यहाँ बताया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इस ट्वीट की जो राजनाथ सिंह जी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से किया गया है, इसका जब पता लगाया कि ऑफिशियल अकाउंट से राजनाथ सिंह जी के कोई भी ऐसा ट्वीट नहीं हुआ है जिसके बारे में भर्ती और एग्जाम के बारे में बताया गया हो और ना ही रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई भी ऐसी जानकारी दी गई है। तो आपका जो ये ट्वीट वायरल हो रहा है ये बिल्कुल एडिट है और फेक है। अब अगर ये ट्वीट मान लीजिए, इसको आप इतना भी समझ सकते हो कि जो आर्मी रिक्रूटमेंट है, आर्मी भर्ती है, वो मई के लास्ट वीक में कैसे स्टार्ट हो सकती है। मई का लास्ट वीक आप देख लीजिए, 5 से 7 दिन बाद भर्ती कैसे स्टार्ट हो सकती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। भर्ती स्टार्ट होने से पहले आपको 1-1.5 महीना या 2 महीने पहले इसकी जानकारी दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 5 से 7 दिन बाद डायरेक्ट भर्तियां स्टार्ट हो जाएं। और आर्मी का एग्ज़ाम है वो भी मई के महीने में कंडक्ट नहीं हो सकता, ये भी जानकारी आपको कम से कम 20 दिन या 1 महीने पहले आपको जानकारी दी जाएगी आर्मी एग्ज़ाम के लिए। अगर कोई भी खबर ऐसी सामने आती है कि 15 दिन 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, 10 दिन बाद भर्ती होगी, तो न्यूज़ आपकी बिल्कुल फेक होगी, क्योंकि 1 महीना तो कम से कम आपको पहले जानकारी इसके बारे में दी जाएगी। फिलहाल अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि सभी जेडारो और सेंटर्स को भर्ती को लेकर सक्रिय रहने के लिए बोला गया है मुख्यालय की ओर से। जैसे ही सेना मुख्यालय की ओर से ऑर्डर मिलता है भर्ती और परीक्षा को लेकर, वैसे ही आपको आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगी। और यही बात सामने आ रही है, सीकर आपके राजस्थान के एक सांसद हैं स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, वहां पर नौजवानों ने एक प्रदर्शन किया था, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, नौजवानों को आश्वस्त किया है भर्ती को लेकर और बोला है कि सरकार की ओर से 15 दिन में भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। यानी कि पहले ये बात सामने नहीं आ रही थी कि इतने दिन के अंदर आपको जानकारी मिल जाएगी, पहले सिर्फ इतना ही बोला जाता था कि भर्ती होगी होगी, लेकिन प्रॉपर टाइमिंग आपको नहीं बताई जा रही थी कि भर्ती आपकी 1 महीने में होगी 2 महीने में। लेकिन अब की बार ये यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम यानी कि दिन बताए गए आपको, 15 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जहाँ
तो फिलहाल अच्छी खबर तो ये सामने आ रही है कि हमें ये भी सुनने को मिला है कि जेडआरओ एआरओ भर्ती को लेकर सक्रिय हैं, और जो सांसद हैं उन्होंने भी क्या बोला है, 15 दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो जहां हम पिछले 2 साल 3 साल से भर्ती को लेकर इंतजार कर रहे हैं, अब सिर्फ 15 से 20 दिन, जैसा सरकार की ओर से बोला जा रहा है, बीजेपी के सांसद हैं इनकी तरफ से बोला गया है कि 15 से 20 दिन में आपको अपडेट मिल सकती है, तो हम 15-20 दिन भी इंतजार करने को तैयार हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से युवाओं को ये किया गया आखिरी वादा हो, इसके बाद हमें ऐसा ना देखने को मिले कि फिर से आपको टाइम दिया जाए भर्ती और परीक्षा को लेकर। आशा करते हैं कि इसके बाद आपकी भर्तियां पुनः फिर से स्टार्ट हो जाएं और परीक्षा आपकी जल्द से जल्द ली जाए। जो चैनल पर नए थे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं भर्ती और परीक्षा की नई अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद।